गाइस, मैं अनिमेश मुखर्जी बोल रहा हूँ। मैं एसएससी सीजीएल 2022 में एग्जामिनर पोस्ट में सिलेक्शन मिला है मेरे को, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 हुआ है। तो मैं इसके लिए मेरा परिवार जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम, और मेरा टीचर और जो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसका मेरे को सहारा मिला, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा नाम का एक सिटी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो पढ़ाई में मैं ओलिव बोर्ड को पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को हेल्प करने के लिए। इसका टेस्ट सीरीज मैं अटेम्प्ट किया था, और टेस्ट सीरीज थोड़ा टेस्ट जो हम लोग का एक्चुअल मेंस एग्ज़ाम में या आपका प्री एग्ज़ाम में जैसा होता है, उससे इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है। उसमें हम लोग का उसके प्रिपरेशन लेने से हम लोग को ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जो जब एक्चुअल रियल एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग को एक एज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हार्ड में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसीलिए ये बोल रहे हैं। और रही बात, अगर मैं मेरा फेलो स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सब अभी बोलता रहता है आदमी, वो तो ज़रूरी है। हमको जो पर्सनली फील हुआ है, हम लोग का मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी अगर हम लोग का ठीक रहेगा तो वो हम लोग फोकस रह पाएंगे इस मतलब ये जो मतलब पूरा जर्नी में हम लोग को बहुत आगे लेके जाएगा ये मेंटल क्लैरिटी। मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, इसके बारे में पहले हम लोग का एक मतलब वेल रिहर्स्ड किया हुआ पथ होना चाहिए, मतलब जिस पथ से हम लोग चलेंगे और हम पूरा एंटायर टीम मतलब चलेंगे। और जो है हम ये बोलेंगे कि ओलिव बोर्ड का जो टेस्ट सीरीज है वो सब अटेम्प्ट कीजिए, और यही है जो जो आपका सब्जेक्टिव जो जो चीज़ें है, मतलब कोई पर्टिकुलर वीकनेसेस है उसके लिए देखिए, यूट्यूब में भी बहुत मटेरियल है। अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि कोई कोर्स लेना है तो कोर्स भी ले सकते हो, लेकिन बात है कि देख लीजिए अपना पोजीशन के अनुसार अपना डिज़ाइन बनाइए। सबके लिए सब कुछ ज़रूरी नहीं होता है, एक डिफरेंट माइंडसेट से चलिए, आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। और सीजीएल एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको मेंटल कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बेस्ट विशेस।